एक मुझको तू कर नहीं जाता। एज अ सिंगर आपको एक म्यूजिक कंपोजर के इंस्ट्रक्शंस को कितना फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो भी आप गाना गा रहे हैं या जो भी गीत है, गज़ल है, भजन है, जो भी है, अब क्योंकि अगर उसके कंपोज़र आप खुद हैं, यानी उसकी जो धुन है वो आपने खुद ने बनाई है, तो ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके स्वर क्या है, वो सब आपको मालूम है, तो आप खुद से अपने हिसाब से वेरिएट करके भी गा सकते हो। लेकिन जब आप किसी और की गाई हुई या बनाई हुई धुन आप गाने जा रहे हो, तो मेरे ख्याल से उसके इंस्ट्रक्शंस को, यानी जैसी कंपोजिशन उसकी है, उसको आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एज अ सिंगर आप वेरिएशंस तो उसमें कर सकते हो, बिल्कुल आपकी उपज है ना, उसमें कुछ ना कुछ बना सकते हो, लेकिन वो क्योंकि धुन किसी और की बनाई हुई है, तो उसने क्या सोचा है, उसको कितना समझना क्यों ज़रूरी है, ये आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इस टॉपिक पे। तो पूरा वीडियो देखिएगा और जानिए कि क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। कोमल गंधार, योर रियाज पार्टनर, एक बेहतरीन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके ज़रिए आप घर बैठे रियाज कर सकते हैं और बेहतरीन संगीत सीख सकते हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बकाए दिल के लिए लहू जरूरी है, बकाए दिल के लिए जो लहू जरूरी है, उसी तरह मेरे जीवन में तू जरूरी है। बकाए दिल के लिए जो लहू जरूरी है। गुलाम अली खान साहब की गाई हुई उन्हीं की धुन है ये, उन्हीं की बनाई हुई एक बहुत ही मधुर गज़ल है, आप ज़रूर सुनिएगा। तो आइए फिर से बात करते हैं उसी टॉपिक पर जो मैं चर्चा करने जा रहा था, जिसका मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, कि एक कंपोज़र की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। जब भी एक धुन बनती है, जब भी कोई गीत, कोई गज़ल या कुछ भी एक कंपोजिशन बन रही है, तो एक कंपोज़र के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। जब उन शब्दों को वो पढ़ता है, तो उसके पीछे की जो फिलॉसफी है, जो फ़लसफ़ा है, जो सोच है उन शब्दों के पीछे, उनको समझकर वो एक धुन का निर्माण करता है, एक धुन को बनाता है, कि कैसे वो धुन और वो शब्द आपस में मेल खाने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम धुन बना दी और उस पर कोई से भी रैंडम शब्द जोड़ दिए, नहीं। एक अगर अच्छा कंपोज़र होगा, एक ढंग का कंपोज़र होगा, तो वो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेगा कि कौन से शब्द का क्या मतलब है और उस शब्द को किस धुन में पिरोएंगे, किन स्वर संगतियों में पिरोएंगे, जो उसका जो भाव है, जो रस है, वो निखर के बाहर आए, है ना। तो वो सारी चीज़ों का ख्याल वो कंपोज़र रखता है। अब अक्सर क्या होता है, हमें एज अ सिंगर, क्योंकि हमने बहुत सारे गाने गाए हुए हैं और हम गा लेते हैं, हमारा गला अच्छा चलता है, हमारा दिमाग अच्छा चलता है, हम वेरिएशंस कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस गाने को अपना समझते हैं। जाहिर बात है, अपना नहीं समझोगे तो कैसे ही गाओगे उसको, है ना, वो कॉन्फिडेंस से नहीं गा पाओगे जब तक उस गीत को आप अपना नहीं मान लेते। लेकिन हम इतना अपना मान लेते हैं कि उसकी कंपोजिशन के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी धुन अगर आपको सीखनी है, तो उसका पहला स्टेप होता है कि उसे अच्छे से आपको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसको डिटेल में बारीकी से सुनोगे नहीं, तब तक उसकी जो बारीकियां हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें आती है कि कहाँ इतनी मुर्की है, कहाँ उतनी मीड़ है, वो नहीं समझ आएगी। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आपको अगर कोई धुन वो सिखा रहा है, तो उसको अच्छे से सुनिए पहले। उससे क्या है, कान मजबूत होते हैं, कान का भी रियाज है, सुनने का रियाज होता है, गाने का रियाज होता है, तो सुनने का भी सबसे ज़्यादा रियाज होता है, और सुनने का रियाज गाने के रियाज से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके कान मजबूत नहीं होंगे, गला कितना भी अच्छा चले व्यर्थ है। क्योंकि कोई भी कंपोज़र आपको काम क्यों देगा, अगर उसको एक लाइन आपको 50 बार बतानी पड़ रही है और किसी दूसरे सिंगर को 2 बार बताने में ही वो समझ रहा है, तो जाहिर बात है वो दूसरे को चांस देगा, भले ही उसकी जो सिंगिंग क्वालिटी है या जो स्टाइल है या जो एबिलिटी है वो आपसे अगर थोड़ी 19-20 है, तो वो उसको चांस देगा, क्योंकि उसको मेहनत कम करनी पड़ रही है, और गायकी को तो वो तो सुधार देगा, लेकिन कंपोजिशन बार बार कौन सिखाएगा, इतनी मेहनत क्यों करेगा, फ्रस्ट्रेशन क्यों लेगा वो कंपोज़र, है ना। तो इसीलिए सुनने का रियाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस बारीकी को समझने का रियाज, कंसंट्रेशन का रियाज, की एकाग्रता से आपने वो धुन सुनी और एज इट इज़ आपने वो पकड़ ली और रिपीट कर दी, गा दी।
एक कंपोजर बड़ा खुश होता है जब उसकी धुन कोई सिंगर एज इट इज़ और उस फिलॉसफी को समझ के गा दे, है ना। इसीलिए वो सारी बारीकियां भी आपको समझना ज़रूरी है। हमें गायकी में सिर्फ ये नहीं है कि वो धुन हमने सुनी और उसको कॉपी कर दिया, नहीं, उस धुन के पीछे की फिलॉसफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लोग यूँ समझते हैं धुन ऐसे ही बन जाती है रैंडमली, जबकि ऐसा नहीं है। अगर एक अच्छा कंपोज़र है तो वो रैंडम धुन कभी भी नहीं बनाएगा, वो सोच के धुन बनाएगा। क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि शब्दों का और स्वरों का आपस में इतना गहरा संबंध है कि जब तक वो शब्दों की जो मीनिंग्स हैं, उनके जो भाव हैं, उनको अगर धुन जो है वो एज इट इज़ कंपैरेटिवली कॉपी नहीं करती है, तब तक वो धुन में मज़ा नहीं आता है, तब तक वो धुन हमें छूती नहीं है, है ना। तब तक वो क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी नज़र नहीं आती है, है ना। ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लगना नहीं चाहिए। जैसा कि मैं कहता हूँ कि शब्द एक धुन को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, है ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ होती है, और उसी तरह से धुन भी शब्दों को एक कॉम्प्लीमेंट देती है, है ना। ऐसा लगना चाहिए कि शब्द खिल उठे उन धुनों उन स्वरों से, उस धुन से, और वो धुन जो है वो खिल उठी उन शब्दों से, वो दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे, ऐसा लगना चाहिए। तो ये एक थोड़ी फिलोसॉफिकल चीज़ है, थोड़ी भावुक चीज़ है ना, उसमें आपको भावनाएं ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि संगीत भावनाओं का ही नाम है। तो इसीलिए हमें कंपोज़र के इंस्ट्रक्शंस हमेशा फॉलो करने चाहिए, जैसा जैसा वो बोला है लाइन टू लाइन एक बार आपको वो सारी चीज़ें माननी चाहिए। अगर उसने बोला है कि ये धुन ऐसी जानी चाहिए तो ऐसी ही जानी चाहिए, वो स्वर ऐसे लगने चाहिए तो ऐसे ही लगने चाहिए। उसके बाद है कि आप अपना दिमाग लगाइए और उसमें थोड़ी छेड़खानी कीजिए, आप उसमें बदलाव लाइए, लेकिन वो भी कंपोज़र की परमिशन के साथ ही। अगर आप खुद एक कंपोज़र हैं तो जाहिर बात है वो आपकी धुन है आपके हाथ में, आप जैसा चाहें बदलें उसको, है ना। लेकिन उसमें भी वो भावात्मक जो बात है वो बनी रहनी चाहिए, है ना। लेकिन हमेशा और बार बार यही चीज़ कहूँगा कि जब भी आप किसी और की धुन गा रहे हैं तो एक बार उसके इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन, अक्षर बा अक्षर फॉलो कीजिए, और बस उसने जो कहा है वो मान लीजिए और वैसा का वैसा गा के दिखाइए। वो भी खुश होगा और उसके पीछे की जो फिलॉसफी रख के उसने जो धुन बनाई थी वो भी कारगर साबित हो जाएगी, है ना। तो इस चीज़ को समझिए, और एक बार तो आपको क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करने होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो समझ आप में खुद में ही डेवलप हो जाती है कि आप वो समझने लग जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि धुन कैसे बनाएं भाई, हम कंपोज़र कैसे बने, तो जैसे कि एक डायरेक्टर बनने से पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बनना ज़रूरी है, है ना। किसी की असिस्टेंस आपको लेना ज़रूरी है, उसको उसके अंडर आपको काम करना ज़रूरी है। उसी तरह से एक कंपोज़र बनने के लिए एक कंपोज़र के साथ रहना पड़ता है। एक अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र के साथ रहेंगे तो वो बारीकियाँ आप समझ पाएंगे कि किसी भी शब्द को भाव कैसे दिए जाते हैं, काकू का प्रयोग कैसे किया जाता है, कोई इफ़ेक्ट अगर आपको देना है अपनी वॉइस में जो कि शब्दों के अनुसार हो तो कैसे दिया जाता है, है ना। तो बस एक छोटी सी बात है, इसको समझिए। इससे रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक्स बनाए हैं मैंने, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें डाउनलोड कीजिए और सुनिए, देखिए और समझिए, ठीक है। ऐसे ही देखते रहें हमारा चैनल एंड मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब करें, संगीत प्रभा वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा। शुक्रिया।